तो हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि कैसे हम एडिटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, और एडिटर सॉफ्टवेयर में जो ह्यूमन रीडेबल कोड है उसमें आपने सिंबल लिखा, तो वो सिंबल को प्रोग्राम कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है। तो ये सिंटेक्स हमने सीखा। नाउ मुझे आपको बताना है, जैसे हमने एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लिखा, हमने डेटा टाइप लिखा, एक मिनट, तो हमने सबसे पहले एक डेटा टाइप लिखा, और उस डेटा टाइप का हमने एक वेरिएबल क्रिएट करने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखा, वेरिएबल को नेम दिया एक्स। नाउ हम उसको एक वैल्यू असाइन करने वाले हैं, ये 20, ठीक है। यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में आपको सबसे पहले समझना है कि ये क्या है, इतना पार्ट, ये है वेरिएबल टाइप डिक्लेरेशन, देन इसे आप क्या कहेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ओके। और इसे ऑल टुगेदर का कंबाइन करके हम पढ़ेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन कम इनिशियलाइजेशन, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये जो इंट है ये क्या है, डेटा टाइप, ये जो एक्स है वो क्या है, वेरिएबल, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर, और ये 20 क्या है, लिटरल, और वी कैन से कांस्टेंट, और ये आखिरी में ये सिंबल क्या है, सेमी कोलन, ठीक है, ये लाइन टर्मिनेटर है, लाइन टर्मिनेटर। तो हमने देखा हमें हर एक टोकन के बारे में अवेयर होना होगा। यहाँ पर इंट डेटा टाइप है, एक्स वेरिएबल नेम है, देन उसके बाद ये जो इक्वल साइन लिखा है ये हमारा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, 20 ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, लिटरल है, और आखिरी में हमने लिखा है लाइन टर्मिनेटर। तो जैसे हमने इंग्लिश में लिखा आई एम, देन फुल स्टॉप, हिंदी में लिखना है तो मैं हूँ, फुल स्टॉप। वैसे यहाँ पर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को एंड में हम एक फुल स्टॉप कैसे अप्लाई करते हैं, ये लाइन टर्मिनेटर का यूज़ करके हम लोग फुल स्टॉप अप्लाई करते हैं, अगर ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं तो। नाउ तो आपने यहाँ पर देखा कि वेरियस इंस्ट्रक्शंस कैसे वर्क करते हैं। हाँ, एक और बात, ये जो असाइनमेंट है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट परफॉर्म होगा, यानी कि जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है इंट एक्स, तो मैं उसे क्या असाइन कर सकता हूँ, हमने कहा कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, ओके। सपोज मेरे पास कोई वेरिएबल है वाई, तो मैं उसको क्या असाइन कर सकता हूँ, कोई एग्जिस्टिंग वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू का कॉपी। अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है तो मैं उसे क्या असाइन कर सकता हूँ, मैं उसे एक एक्सप्रेशन असाइन कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है, सपोज वेरिएबल एम,
तो मैं उसे क्या असाइन कर सकता हूँ? कोई अगर आपने फंक्शन डिफाइन किया है तो आप उसे कॉल कर सकते हो, तो ऐसे फंक्शन का रिजल्ट हम असाइन कर सकते हैं, फंक्शन कॉल। जावा के अंदर हम इसको मेथड कॉल भी बोल सकते हैं, फंक्शन कॉल। ओके, तो आपने नोटिस किया कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पर क्या है, क्या लिख सकते हैं? कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं, वेरिएबल भी, एक्सप्रेशन भी और फंक्शन कॉल भी। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिख सकते हैं? ओनली वेरिएबल नेम, वेरिएबल। तो असाइनमेंट कैसे परफॉर्म होता है? राइट टू लेफ्ट, आप बोलते हैं राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में स्टोर करो। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में आपने कहा 20, ये तो खुद इटसेल्फ वैल्यू है तो वेरिएबल एक्स में जाके स्टोर हो जाएगा। सेकंड इंस्ट्रक्शन में आपने कहा एक्स नाम से कोई वेरिएबल है, उसके अंदर स्टोर वैल्यू को रीड करो और उस वैल्यू की एक कॉपी वेरिएबल वाई में स्टोर करो। यानी कि स्टेप नंबर 1, वेरिएबल एक्स को रीड करो और उसमें स्टोर वैल्यू का एक कॉपी वेरिएबल वाई में स्टोर करो। थर्ड इंस्ट्रक्शन में आपने लिखा हुआ है कि वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई में जो स्टोर्ड वैल्यू है उसे रीड करो, उन वैल्यूज के कॉपी को आप उसमें सम करो और उस रिजल्ट को आप कहाँ पर स्टोर करोगे? उस रिजल्ट को हम वेरिएबल जेड में स्टोर करेंगे। यानी कि पहले एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करो, और इवेल्यूएट करने से पहले, क्योंकि जो ऑपरेंड्स हैं एक्स वाई वो वेरिएबल्स हैं, तो उन वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यूज को, जो कि उस वेरिएबल में कंटेंट वैल्यू है, उसे आपको रीड करना है। देन उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पर हमने प्लस ऑपरेटर यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया है, तो इस एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करना है। इससे जो रिजल्ट जनरेट होगा उस रिजल्ट को हमने लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल सी में, जेड में असाइन करना है। फिर देन उसके बाद हमने एक फंक्शन कॉल किया है। अगर आप फंक्शन कॉल के बारे में नहीं जानते हैं तो हम इसके बारे में कुछ देर में बात करेंगे। तो यहाँ पर सपोज मेरे पास एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप इंट है और उस फंक्शन का नाम ऐड है, और इसे इनपुट में 2 वेरिएबल हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, जो इंडिकेट करता है कि जब भी कोई ऐड फंक्शन को कॉल करेगा तो उसे 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे। हमने यहाँ पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में लिखा रिटर्न a+b। तो अगर मान लो कि आपने 12 ये वैल्यू पास किया तो वो जाके वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगा, जो 13 पास किया वो बी में स्टोर हो जाएगा, और इस तरह से आप जैसे फंक्शन के अंदर आओगे तो वेरिएबल ए और बी को इनिशियल वैल्यू असाइन हो गया 12 एंड 13। नाउ हम उसको ऐड करेंगे, इसका जो सम है वो है 25। इस वैल्यू 25 को हमने रिटर्न कर दिया, और क्योंकि हमारे ऐड फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, जो कि इंडिकेट करता है कि जब फंक्शन का रन कंप्लीट होगा उसका प्रॉमिस है कि वो रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके एक अप्रोप्रिएट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरह से ऐड क्या रिटर्न करने वाला है? एक इंट वैल्यू। तो आपने देखा हमने इसके लिए अप्रोप्रिएट कोड लिखा हुआ है, इसका रिजल्ट है 25, और ये 25 ये वैल्यू जो है ये हम वेरिएबल एम में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा जो असाइनमेंट ऑपरेशन है उसमें जो राइट हैंड साइड है उस पर हम लोग कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन और फंक्शन कॉल लिख सकते हैं, और जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम केवल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट किस तरह से परफॉर्म होता है? राइट टू लेफ्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है? राइट टू लेफ्ट। राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर हो जाता है।